मैं मेमोरी लेन में जाना चाहता हूं जब मैं छोटा सा बच्चा हर एक बच्चों की तरह मेरे पिताजी भी मेरे लिए खिलौने लेके आया करते और जब खिलौने लेके आते थे आपको पता खिलौने वाले कभी उसके अंदर बैटरी डाल के नहीं देते वो कहते हैं कि बैटरी आप खुद खरीद के ले जाओ तो माय फादर ऑल्सो टोल्ड मी जब बेटा एवर रेडी बैटरी लिया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं फटाफट गया नुक्कड़ में जाके एवर रेडी बैटरी लाई क्योंकि मुझे सिर्फ बचपन से एक ही चीज पता है बैटरी यानी कि एवर रेडी बैटरी और कोई बैटरी पता भी नहीं तो मेरे लिए मैं यही कहूंगा आज भी मतलब मेरा बेटा भी जब उनके लिए खिलौने लाता हूं तो वो भी यही एक यही कहता है कि एवर रेडी बैटरी फटाफट लेके आता हूं और इसमें डालते एवर रेडी इज अ मेमोरी इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ मेमोरी एंड बिकॉज ऑफ दैट जब मुझे पहली बार आई वॉज अप्रोच फॉर इट आई कॉन्ट टेल यू हाउ हैप्पी आई वॉज मेरा मोबाइल ऑफ क्यों होगा बैटरी स्विच ऑफ लेकिन है ना मेरे पास नहीं अभी आई ना आपके पास हाँ लेकिन आपके पास अभी आई है लेकिन मुझे तो पहले देते हैं ना पहले तो आई नहीं थी अभी आई है ये आपको इंट्रोड्यूस पहली बार हुई है लेकिन मेरे पास तो पहले आ गई थी तो ये मेरे पास ऑलरेडी है और उसको रिचार्ज करने मुझे कोई दिक्कत नहीं होती फटाफट जैसे ही खत्म होने वाली है तो आप एवर रेडी की रिचार्ज डाल दें बैटरी एंड यार आया हर चीज के लिए लाइक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है शूटिंग से आया वहां एवर रेडी था यहां एंड ऑलवेज हर चीजों के लिए एवर रेडी हूं आप फरमाएं जिस चीज के आपको चाहिए जितने भी मेरे को स्टार्स हैं जितने भी मेरे एक्ट्रेसेस हैं कैरेक्टर एक्टर्स हैं जितने भी उन सबको जानता हूं वो सारी एवर रेडी है क्योंकि वो सारी एवर रेडी का इस्तेमाल करते बेटे इतनी दोस्ती नहीं की कि मैं गिफ्ट कर रहा अपने आप जिन जिनको अपने अपने परिवार के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टच में रहना वो खुद ही खरीद लेंगे मैंने व्हाट इज माय सीक्रेट ऑफ एनर्जी आई थिंक व्हाट इज माय सीक्रेट ऑफ एनर्जी सुबह मैं उठ के आई जस्ट रिमेंबर विद अ ग्लास ऑफ मिल्क आई हैड चवनप्राश आई थिंक ये क्वेश्चन इसका जवाब मैं उनको देना जब मदद कहूंगा देने के लिए जो बनाते हैं पावर मिस्टर अक्षय कुमार हियर इज अ सिंपल ऑफ पावर आप रैंडम मैक्सिम तो आई थिंक वन वर्ड अक्षय पावर वैसे तो जितने पैसे आपने लिखे हैं वो गलत है क्योंकि बहुत कम दाम लगाए आपने और दूसरी बात है मैं ऐसा कुछ नहीं करता आई हैव डन सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ फ्रॉम स्टंट्स टू फिल्म्स टू एवरीथिंग इन माई लाइफ आई yet to realize it but I'm never ready because if I was able to do something which was never ready I don't think my friends here will ever sign me for ever ready so I think because of that they have signed me for ever ready because there's nothing never ready for me yeah ab jab cheez koi bikri ho achhi tarah bikri ho to rates badhane mein kya problem mujhe nahi lagta kisi ki sherwani mein pareshani ho I don't think so there's any problem with it it's a give and take relationship I'm sure ki aap bhi jahan kaam karte honge aapko bhi promotion mein rate hi badhana hoga aap aur kuch to bada nahi sakenge that's it see dekhiye main rest isliye nahi leta hu kyunki meri jeb mein hamesha daal hai so ever ready hamesha rehne ki karan mujhe chot lagti hai fir bhi main kaam karta hu तो आप भी हमेशा अपनी जेब में ही रहते हैं।